हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी मीडियम क्लास 12 फिजिक्स का, जो हमारा आवेश के बाद हमने पढ़ा विभव धारिता। तो यदि आपने हमारा सेकंड पार्ट का वीडियो देखा होगा, उसमें हम धारिता मतलब कैपेसिटर संधारित्र पर अपन बात किए और संधारित्र के हम प्रकार पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े। आज हमारा थर्ड पार्ट है और आज थर्ड पार्ट में अपन पढ़ेंगे आवेश संधारित्रों का समूहन, हम उसको किस तरह से कंबाइन करते हैं। संधारित्र मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यदि आपने संधारित्र के बारे में कैपेसिटर के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसका जो हमारा सीरीज चल रहा है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, तो पार्ट वन और पार्ट टू को आप जरूर रिपीट करिए, या नहीं पढ़े हैं तो उसके बाद वहाँ से पढ़िए, फिर आपको पार्ट थर्ड समझ में आएगा। क्योंकि हमारा जो वीडियो है कंटिन्यूअस मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है उनको ज्वाइंट करना, जोड़ना। जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को हम आपस में जोड़ते हैं तो संधारित्रों का वो संयोजन है, क्लियर। और इसको हम दो प्रकार से संयोजित करते हैं। पहला प्रकार इसका कहलाता है संधारित्रों का संयोजन का, पहला है श्रेणी संयोजन या श्रेणी समूहन, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी में जोड़ना। यहाँ पर श्रेणी समूहन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए, समूहन को पहचानना तो बहुत आसान होता है क्योंकि हम उसको फिजिकल ऑब्जर्वेशन से वन बाय वन, जैसे यहाँ पर देखिए मैं एक सर्किट बनाता हूँ कि इस तरह से ये एक कैपेसिटर है, हम कैपेसिटर को दो समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, दोनों लाइन के लेंथ बराबर होना चाहिए। यदि आपने इसके लाइन को छोटे बड़े कर दिए तो वो बैटरी बन जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, मेरा स्पेशली आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि आप इसके लाइन के लेंथ को ध्यान रखेंगे, तो हड़बड़ी में अपन एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी बना देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ये फिर बैटरी हो जाएगा। तो ये एक कैपेसिटर है, सपोज ये दूसरा कैपेसिटर है, सपोज ये तीसरा कैपेसिटर है। देखिए, हमने यहाँ पर कैपेसिटर को वन बाय वन कनेक्ट किया है, ये श्रेणी समूहन है। लेकिन आप इसको केवल देख के नहीं बता सकते, श्रेणी समूहन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आप ध्यान में रखेंगे, इसमें आवेश, श्रेणी समूहन में आवेश क्या होता है, वह नियत होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखना कि सभी जितने भी हम कैपेसिटर यहाँ यूज करेंगे सब में आवेश का मान क्या होगा, नियत होगा। मतलब यदि हम श्रेणी संयोजन का परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा समूहन जिसमें सभी संधारित्रों में आवेश का मान क्या हो, नियत हो। मतलब सभी संधारित्र में समान आवेश वितरित हो तभी वो क्या कहलाएगा, श्रेणी समूहन कहलाएगा। तो ये सपोज इसकी कैपेसिटी सपोज सी वन है, इसकी धारिता इसका सी टू, इसका सी थ्री। अब सपोज हमने इसको क्यू आवेश दिया, ये हमने सपोज प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और अंतिम सिरे का संपर्क हम कहाँ से कर देंगे, पृथ्वी से कर देंगे। अब इसके टर्मिनल्स अलग अलग हैं, इसके ज्वाइंट पॉइंट, तो इसका विभव वी वन है, इसका विभव वी टू है, इसका विभव वी थ्री है। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, माना कि सी वन सी टू तथा सी थ्री तीन संधारित्र हैं जिनके विभव क्रमशः वी वन वी टू तथा वी थ्री है, और इनमें आवेश की मात्रा क्यू है। ये लिखने के बाद अपन लिखेंगे इस पूरे समूहन का कुल विभव, तो कुल विभव भी बराबर हो जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ये रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये पूरे समूहन का कुल विभव इतना हो जाएगा। परंतु अपने को पता है कि C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। यहाँ से यदि हम विभव का मान निकालें तो दैट इम्प्लाइज V को इधर ट्रांसफर कर दें तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन श्री C, ऐसा हो जाएगा, क्लियर। अब इस बेस पर यदि हम V1, V2, V3 का मान निकालें, इसलिए क्या लिख सकते हैं अपन, V1 बराबर, यदि हम यहाँ से V1 बराबर निकालना चाहें तो Q तो क्या है, कांस्टेंट है जिसको हमने स्मॉल Q लिया है, और धारिता क्या है, ये इसको हम स्मॉल सपोज किए हैं तो स्मॉल ही लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्मॉल Q सपोज किया है, कुछ भी कर सकते हैं आप।
V2 बराबर क्या हो जाएगा Q/C2। इसी प्रकार से V3 बराबर हो जाएगा Q/C3। ये तीनों मान को हम संबंध एक में रख देते हैं, तो इसलिए एक से रिलेशन फर्स्ट से यहाँ पर इन मानों को रखें तो V की जगह क्या रखेंगे Q/C। ये हो जाएगा Q/C इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। दैट इम्प्लाइज दोनों साइड से Q कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो जाएगा श्रेणी समूहन के लिए इसका फार्मूला। देखिए ये जो टॉपिक है बहुत छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैं जो आपको न्यूमेरिकल्स के वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें इससे रिलेटेड सर्किट के बहुत सारे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो वहाँ पर हम स्पेशली सॉल्व करेंगे। कि यहाँ पर देखिए मैं ये जो मेरा फाउंडेशन का क्लास है वहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट और बोर्ड पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल का हमारा जो पार्ट होगा वो कम्प्लीटली IIT JEE और नीट के बेस पर होगा। तो उस वीडियो में आपको इसको मैं कम्प्लीट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, लेकिन पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए फिजिक्स समझने का सीधा दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज कॉन्सेप्ट, सेकंड पार्ट इज न्यूमेरिकल। यदि आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर है, उसमें जो फार्मूला बताए गए हैं वो क्लियर है, तो आप न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया हमारा श्रेणी समूहन संयोजन। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे समांतर संयोजन। क्लियर, समांतर संयोजन में क्या होता है, देखिए कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। मैंने अभी बताया कि श्रेणी संयोजन में आवेश नियत होता है, वहां पर नियत हो जाएगा विभव। क्लियर, तो दूसरा है हमारा समांतर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये इसमें नियत होगा विभव। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आप कभी नहीं भूलिए कि किसमें क्या नियत होता है, यहाँ विभव नियत हो जाएगा। अब इसका सर्किट हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए ये हमने एक कैपेसिटर ले लिया, ये लाइन बराबर रहेगा आप ध्यान रखेंगे, ये दूसरा कैपेसिटर ले लिया, ये सपोज हमने तीसरा, ऐसे हम कितने भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तीन तीन का समूहन हम आपको समझा रहे हैं। अब ये सभी के सभी एक सिरे एक पॉइंट से कनेक्ट हो गए, और इसके सभी दूसरे सिरे ये दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो गए, ये हो गया समांतर समूहन। अब इसकी धारिता C1 मान लिया हमने, इसका C2 मान लिया, इसका C3 मान लिया। इस सिरे को यदि हम प्लस क्यू आवेश देते हैं या क्यू आवेश देते हैं, तो नेचुरली आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये थ्री पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पर आवेश नियत नहीं होता। सपोज इसमें इसका Q1 पार्ट गया, यहाँ Q2 गया और यहाँ पर Q3 गया, और इसका कांटेक्ट पॉइंट दो ही है, तो इसलिए हम इसके विभव को क्या सपोज कर लिए, वी सपोज कर लिए। तो ये जो विभव है यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, ये नियत है, वी यहाँ पर नियत है, वहाँ पर आवेश नियत था। तो नेचुरली यहाँ पर जैसे हमने वहाँ पर क्या निकाला था, कुल विभव निकाला था, यहाँ पर निकालेंगे कुल आवेश, जो कि क्यू है वो तीन पार्ट में बट गया है। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पर कुल आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से हुआ है, क्यू अपने पास कुल आवेश था जो कि थ्री पार्ट में बटा हुआ है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। बट अपने को पता है कि अभी हमने पढ़ा है Q=C×V, इस फार्मूला के बेस पर यदि हम Q1 निकालें तो Q1=हो जाएगा C1, और विभव तो नियत है तो विभव भी ही रहेगा। इसी तरह से Q2=C×V और Q3=C×V। अब इन सभी मानों को एक में रख दें तो क्या मिल जाएगा अपने को, इसलिए संबंध एक से Q का वैल्यू क्या हो जाएगा C×V, तो C=C1×V प्लस C2×V प्लस C3×V। दैट इम्प्लाइज दोनों साइड से V कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C=C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा
पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, समांतर समूहन के लिए फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम दो या दो से अधिक संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ें तो उनकी जो कुल धारिता होती है वो सीधे सीधे उनके योग के बराबर होता है। मान लो चौथा होगा तो प्लस सी फोर, पाँचवा होगा तो प्लस सी फाइव, इस प्रकार से इनको योग किया जाता है। ये है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। अब अपन पढ़ते हैं इस चैप्टर में, इसके बाद ये जो संधारित्र हैं जो क्या करते हैं, आवेश को इकट्ठा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उनमें कितनी ऊर्जा संचित होती है। नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, संधारित्रों या संधारित्र की ऊर्जा। जब कोई भी कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है तो कितना एनर्जी स्टोर करता है, इसका हम यहां पर मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। जब हम कैपेसिटर को चार्ज देंगे, चार्ज को स्टोर करके रखेगा, दैट मीन्स उसके पास ऊर्जा संचित हो जाएगा। तो कितना ऊर्जा संचित होता है, इसके लिए सीधा सीधा अपने पास फार्मूला है। इसकी जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा बराबर होता है औसत विभव गुणित उस पर कुल आवेश। ये फार्मूला आप ध्यान रखिए कि संधारित्र की ऊर्जा उसके औसत विभव और उस पर उपस्थित आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये अपने पास कोई कैपेसिटर है, अभी इसको हमने आवेश नहीं दिया है, तो इसका विभव क्या है, अभी शून्य है। अभी इसका विभव शून्य है क्योंकि हमने इसको आवेश नहीं दिया। अब सपोज इसको हमने आवेश दिया, सपोज हमने इसको क्यू आवेश दिया, तो क्यू आवेश देने पर इसका विभव अब मान लो वी हो गया, मतलब प्रारंभिक विभव इसका शून्य था जब इस पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन हमने इसको Q आवेश दिया तो इसका विभव जीरो से कितना हो गया, V हो गया। तो इस कंडीशन में यदि हम इसके ऊर्जा का गणना करें, तो ऊर्जा को हम यदि U से प्रदर्शित कर दें, तो औसत विभव, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रारंभिक धन अंतिम बटे दो। तो इसके पास जो प्रारंभिक विभव था शून्य था, और अंतिम विभव क्या है, भी औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, दो का भाग देंगे। ये हो गया औसत विभव, और गुणित आवेश का मान कितना हो जाएगा, Q। तो U बराबर हो जाएगा, दैट इंप्लाइज इसको हम सरल करें तो U बराबर हो जाएगा 1/2 Q इंटू वी, ये Q को लिख दिया और वी बाई टू हो जाएगा। तो ये इसके ऊर्जा का फार्मूला होता है। अब इस ऊर्जा के फार्मूला को हम कई रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए, हमको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी होता है। क्लियर। C इक्वल टू Q अपॉन वी होता है, ठीक है, Q इक्वल टू C इंटू वी। अब यहाँ से हम चाहें तो Q के मान को यहाँ से हटा दें, मान लो तो Q का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू वी। ये Q का मान यहाँ पर भर दें तो देयरफॉर अपने को U बराबर 1/2 और इसका मान हो जाएगा C भी, और यहाँ पर एक ये भी, दैट इम्प्लाइज U बराबर 1/2 सी वी स्क्वेयर। जैसे गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, वैसे ही फार्मूला 1/2 सी वी स्क्वेयर। तो ये क्या है, ऊर्जा का दूसरा फार्मूला है। एक मैंने ये बताया, दूसरा ये बताया, ये Q और V के पदों में है, Q और V के पदों में है, यह C और V के पदों में है, और इसको चाहें तो हम तीसरे रूप में भी लिख सकते हैं इसको, तथा कैसे, देखिए अभी हमने यहाँ से Q का मान भरा है, यदि हम चाहें तो यहाँ से V का मान भी भर सकते हैं। तो यहाँ V बराबर कहा जाएगा Q अपॉन C, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 Q, और ये V का मान हो जाएगा Q अपॉन C, ये हमने लिख दिया Q अपॉन C, दैट इम्प्लाइज U इक्वल टू 1/2
क्यू स्क्वायर अपॉन सी। इस तरह से ये भी ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा। कभी भी जब आप इस फार्मूला को यूज़ करेंगे तो अपने ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन में क्यू और वी का मान दिया हो तो इससे ऊर्जा निकाल सकते हैं, यदि आपको क्वेश्चन में सी और वी का मान निकाल इससे निकाल सकते हैं, और क्यू और सी दिया तो इससे निकाल सकते हैं। अभी हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ये फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 1/2 CV². नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं आवेश का पुनर्वितरण। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन प्रायः कोई भी बोर्ड के, यदि आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्टेट बोर्ड हैं, CBSE, ICSE, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ सभी बोर्ड के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और उस पर बेस्ड भी, मेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये उसका बेसिक फंडामेंटल है। अब हम पढ़ेंगे आवेश का पुनर्वितरण। आवेश का पुनर्वितरण, आवेश का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये पुनर्वितरण का मतलब क्या होता है? सबसे अपन पहले समझें कि एक्चुअल में पुनर्वितरण है क्या। तो यहाँ पर देखिए, एक चित्र के हेल्प से आपको मैं समझा रहा हूँ। सपोज एक अपने पास ये एक पिंड है और एक दूसरा पिंड ये है, ये दो सेपरेट पिंड है, सपोज ए और बी। अब हमने पिंड ए को सपोज Q1 आवेश दिया हुआ है और पिंड बी के ऊपर आवेश मान लो Q2 है। सपोज इसका विभव V1 है और सपोज इसका विभव V2 है। इस पर सपोज धारिता इसकी C1 है, इसकी धारिता C2 है, ये हमने यहाँ पर मान लिया। माना कि A और B दो आवेशित पिंड हैं, जिसमें पिंड A पर आवेश Q1 विभव V1 और धारिता C1 है, पिंड B पर आवेश Q2 विभव V2 और धारिता C2 है। दोनों अभी सेपरेट आवेशित पिंड हैं। अब हमने क्या किया, इसको एक चालक तार से दोनों को ज्वाइंट कर दिया, ए और बी को एक कंडक्टर वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। तो नेचुरली जैसे आपको शुरुआत के बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि यदि पानी के दो सतह हैं तो क्या होता है, पानी उच्च सतह से निम्न सतह की ओर बहने लगता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे पास दो आवेशित पिंड हैं और दोनों के विभव अलग अलग हैं, इसका V1 है, इसका V2 है। यहाँ हम आपको यह नहीं बता रहे हैं कि V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, लेकिन नेचुरली बराबर तो नहीं है दोनों, या दोनों बराबर होते तो V लिखते उसको अपन, एक V1 है एक V2 है, तो नेचुरली या तो V1 बड़ा होगा या तो V2 बड़ा होगा। इसका मतलब दोनों में विभव अलग अलग है। और चूंकि जिस तरह से पानी का तल अलग अलग हो तो पानी में प्रवाह होता है, उसी प्रकार से यदि दो पिंड में यदि विभव अलग अलग है तो आवेश का प्रवाह यहाँ पर होगा, आवेश का वितरण होगा। यही है आवेश का पुनर्वितरण। अब यहाँ पर हम देखें कि सपोज ए से बी या बी से ए में आवेश का पुनर्वितरण होता है, लेकिन कब तक पुनर्वितरण होता है? पानी का नेचर आपको पता है कि पानी उच्च सतह से निम्न सतह की ओर तब तक बहता है जब तक दोनों का सतह क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। उसी प्रकार यहाँ पर भी ए से बी में या बी से ए में आवेश का वितरण होगा, लेकिन कब तक? जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो सपोज पुनर्वितरण के पश्चात इसका विभव भी हो जाता है, अब पुनर्वितरण बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात इनमें आवेश कितना बचता है, इनका विभव कितना होता है, ये हम निकालेंगे। क्लियर? तो चूंकि यहाँ पर देखिए अपने को पता है C = क्या होता है, Q/V, जहाँ पर सपोज ये Q कुल आवेश है, C = Q/V, और ये क्या है, कुल धारिता है। दैट इंप्लाइज इसको आगे यदि हम सॉल्व कर दें तो V को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो V = आएगा Q/C। दैट इंप्लाइज ये है पुनर्वितरण के पश्चात का विभव। तो आवेश, कुल आवेश कितना होगा, Q1 + Q2, चाहे आवेश A से B में जाए चाहे B से A में आए, कुल मान तो Q1 + Q2 ही होगा। कुल यदि हम पूरे सिस्टम के आवेश की बात करें तो दोनों का जो कुल आवेश है दोनों का योगफल के बराबर होगा। तो Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q1 और प्लस Q2 ये लिख सकते हैं। दैट इंप्लाइज C1 कितना हो जाएगा, C1 + C2 हो जाएगा।
क्लियर। दैट इंप्लाइज आगे इसको हम सॉल्व करें तो v बराबर q इक्वल टू c इनटू v होता है, q इक्वल टू c इनटू v, तो q को हम क्या लिख सकते हैं, c1 v1 पहले पिंड के लिए और q2 दूसरे पिंड के लिए हम लिख सकते हैं c2 v2, और अपान हो जाएगा c1 प्लस c2। तो ये जो हमने फार्मूला निकाला है ये क्या है वास्तव में, पुनर्वितरण के पश्चात विभव। क्लियर, ये है पुनर्वितरण के पश्चात विभव कि जब पुनर्वितरण हो जाएगा तो उसका कंबाइन पोटेंशियल, उसका जो विभव है वो कितना होगा। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि पुनर्वितरण के पश्चात आवेश, पुनर्वितरण के पश्चात आवेश। देखिए जब आवेश का पुनर्वितरण हो जाएगा मतलब आवेश ए से बी में चला जाएगा या बी से ए में, तो निश्चित रूप से इसके मान अलग अलग हो जाएंगे। जब पुनर्वितरण नहीं हुआ था तो इसका आवेश कैपिटल Q1, इसका आवेश कैपिटल Q2 था, लेकिन सपोज पुनर्वितरण हुआ तो आवेश या तो ए से बी में गया होगा या तो बी से ए में आया होगा। तो ये हम देखते हैं कि कितना हुआ पुनर्वितरण के पश्चात ए का आवेश, पुनर्वितरण के पश्चात ए का आवेश, उसको मैंने कह दिया स्मॉल Q1। तो Q1 बराबर देखो Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है। तो यहाँ पर A का, A की धारिता तो C1 है लेकिन अब विभव V हो चुका है क्योंकि क्या है पुनर्वितरण के पश्चात, और पुनर्वितरण के पश्चात हमने विभव क्या निकाल लिया है, V निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर V1 नहीं होगा, ध्यान रखना, अब पुनर्वितरण के पश्चात विभव V हो गया है। इस V के मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो दैट इम्प्लाइज Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 और अंडर ब्रैकेट C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये होगा। तथा B का आवेश, इसी प्रकार से यदि हम क्या निकालना चाहें, B का आवेश निकालना चाहें तो उसको हम Q2 कह दिए, तो Q2 बराबर यहाँ पर सॉरी C1 ना, ये अब होगा C2, C2 इंटू यहाँ पर C1 रहेगा, अब C2 B का आवेश ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला कि पुनर्वितरण होने के पश्चात विभव कितना होगा और पुनर्वितरण के पश्चात उन पर अलग अलग आवेश कितना होगा। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि की गणना करना। देखिए क्या होता है, यदि हम आवेश को ए से बी में या बी से ए में वितरण करें तो कुछ आवेश इस कंडक्टर वायर में, कुछ एटमॉस्फेयर में विसरित होकर डिफ्यूज होकर उसमें क्या होता है, कुछ लॉस हो जाता है, कुछ हानि हो जाती है। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है कि जब हम आवेश का पुनर्वितरण कर लेंगे तो ऊर्जा की कितनी हानि हो रही है, जो कि इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। क्लियर, तो ये दोनों कैलकुलेशन के बाद हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि। यहाँ पर हम ये मैं इरेज कर देता हूँ और कैलकुलेट करते हैं ऊर्जा हानि। ये बड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पुनर्वितरण होता है तो ऊर्जा की कितनी हानि होती है ये हमको कैलकुलेट करना है। पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि कि ऊर्जा में कितनी हानि होती है, तो नेचुरली आप समझ सकते हैं हानि या लाभ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे हम कॉमन अपने जनरल लाइफ में यदि मुझे मान लो कुछ हानि हो गया तो कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे पास पहले कितना था बाद में कितना बचा। तो हमारे पास दो वैल्यू होना चाहिए हानि निकालने के लिए, कि पुनर्वितरण के पहले कुल कितनी ऊर्जा थी ये हम निकाल लें और फिर निकाल लें पुनर्वितरण के बाद कितनी ऊर्जा थी। निश्चित रूप से हानि हो रही है मतलब पहले ज़्यादा रहा होगा बाद में कम हो गया होगा, तो पहले से बाद को अपन माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा ऊर्जा हानि निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे पुनर्वितरण के पहले, पुनर्वितरण के पूर्व, ये अब जो भी कैलकुलेशन करूंगा वो पुनर्वितरण के पूर्व है। तो पुनर्वितरण के पूर्व ए की
ऊर्जा पुनर्वितरण के पूर्व ए की ऊर्जा, तो ए की ऊर्जा कितना हो जाएगा 1/2 C1 V1 square। अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया ऊर्जा का, उसके बाद बी की ऊर्जा, बी की ऊर्जा इक्वल टू 1/2 C2 V2 square हो जाएगा। देयरफॉर कुल ऊर्जा क्या पुनर्वितरण के पूर्व, उसको मैंने कह दिया क्या यू वन, तो दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा 1/2 C1 V1 square + 1/2 C2 V2 square। ये हमने निकाल लिया पुनर्वितरण के पूर्व कुल ऊर्जा। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे पुनर्वितरण के पश्चात, पुनर्वितरण के पश्चात ये सेकंड नंबर का कैलकुलेशन है, वो पुनर्वितरण के पश्चात के लिए है। तो ए की ऊर्जा हम निकाल लेते हैं कि ए की ऊर्जा कितना है पुनर्वितरण के पश्चात, तो ए की ऊर्जा कितना हो जाएगा 1/2 C1, अब विभव हो गया है भी, तो भी भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिए पुनर्वितरण के पहले उस पर विभव V1 और V2 था, लेकिन जब पुनर्वितरण हो चुका उसके बाद उसका विभव भी धारिता तो उतना ही रहेगा क्योंकि धारिता नियतांक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि पहले भी C1 है बाद में भी C1, वो हमेशा C1 रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्लियर। इसी प्रकार से बी की ऊर्जा, तो बी की ऊर्जा कितना हो जाएगा 1/2 C2 V2 square। इसलिए कुल ऊर्जा U बराबर दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा, तो 1/2 C1 V2 square + 1/2 C2 V2 square। दैट इंप्लाइज U बराबर, यहाँ से अपन 1/2 V2 square को कॉमन कर लें, तो यहाँ से क्या बन जाएगा C1 + C2। ये हो जाएगा पुनर्वितरण के पश्चात। अब हमको निकालना है क्या है इसकी हानि, तो यहाँ पर अपन निकालते हैं इसलिए ऊर्जा हानि इसको मैंने डेल यू संकेत दे दिया, तो हो जाएगा U1 - U2, इसको हम सॉरी U2 कह देते हैं। चलो ये क्योंकि हमने U1 माना है कुल ऊर्जा को कब पुनर्वितरण के पूर्व, और U2 माना है पुनर्वितरण के पश्चात कुल ऊर्जा को। तो पुनर्वितरण के पहले की ऊर्जा में पुनर्वितरण के बाद की ऊर्जा को माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा अपने को ऊर्जा हानि, जिसको हम कह रहे हैं डेल क्यू। अब इसको वैल्यू को पुट अप करते हैं, दैट इंप्लाइज डेल यू इक्वल U1, तो U1 अपने पास ये है, इसका वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर देते हैं 1/2 C1 V1 square + 1/2 C2 V2 square। ये हो गया U1 का वैल्यू, और यहाँ पर हम माइनस कर दें ये जो वैल्यू अपन निकाल के रखे हैं 1/2 V square (C1 + C2). अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे दैट इक्वल, दोनों में 1/2 कॉमन है तो 1/2 हमने कॉमन कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा C1 V1 square + C2 V2 square, और ये माइनस। अब यहाँ पर आप देखिए ये है वी स्क्वेयर, और वी का मान अपने को अभी हमने जो मैं वी रेस कर दिया इसके पहले हम वी का मान कैलकुलेट कर चुके हैं, उस वी के मान को यहाँ पर हमको भरना है, तो हमने निकाला था C1 V1 + C2 V2 / C1 + C2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये है C1 + C2। क्लियर। दैट इक्वल 1/2, यहाँ पर देखिए ये C1 + C2, और यहाँ पर C1 + C2 का क्या है होल स्क्वायर है, तो एक C1 + C2 इसके साथ में कैंसल आउट हो जाएगा, और इसके अपान में बचेगा एक C1 + C2, जिसको हम क्या कर रहे हैं बाहर कॉमन कर रहे हैं, तो C1 + C2 हमने यहाँ पर कॉमन किया, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, चूंकि इसके साथ वो नहीं है तो इसके साथ उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C1 + C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और C1 V1 square + C2 V2 square, और यहाँ पर माइनस ये बचेगा, ये तो हम कॉमन निकाल लिया कैंसिल हो गया, तो C1 V1 + C2 V2 का होल स्क्वायर। क्लियर। दैट इक्वल 1/2 C1 + C2। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हम C1 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ में, तो
तो क्या होगा, ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी वन सी टू वी टू स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी टू सी वन वी वन स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, और इसको हम क्या करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से विस्तार कर देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सामने माइनस का साइन है तो सबके साथ क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो इसका स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस टू सी वन सी टू वी टू और माइनस सी वी टू स्क्वायर दैट इक्वल वन अपॉन टू सी वन प्लस सी टू। अब यहाँ पर आप देखिए सी वन वी वन स्क्वायर सी वन वी स्क्वायर के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, सी टू वी टू स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या क्या, यहाँ से सी वन सी टू यहाँ से सी वन सी टू और यहाँ से सी वन सी टू कॉमन है, तो उसको हम यहाँ से कॉमन कर लिए अंश में, तो क्या हो जाएगा सी वन सी टू कॉमन किया, यहाँ से बचेगा वी टू स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा वी वन स्क्वायर और यहाँ से माइनस टू वी वन वी टू, ये दैट इक्वल सी वन सी टू अपॉन टू सी वन प्लस सी टू, और यहाँ पर आप नेचुरली देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, जो कि हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं वी टू माइनस वी वन का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा डेल यू मतलब ऊर्जा हानि के लिए फाइनल इक्वेशन। क्लियर, तो ये होता है देखिए ऊर्जा हानि का गणना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आपको मैं दो मिनट में फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। ऊर्जा हानि निकालना है तो सबसे पहले पुनर्वितरण के पूर्व कुल ऊर्जा निकाल लीजिए कि पुनर्वितरण जब नहीं हुआ था तो उसके पास कुल ऊर्जा कितनी थी, इतनी थी, फिर पुनर्वितरण के पश्चात उसकी कुल ऊर्जा निकाल लीजिए, ये हो गया पुनर्वितरण के पश्चात की कुल ऊर्जा। अब हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुनर्वितरण के पहले की ऊर्जा से पुनर्वितरण के बाद की ऊर्जा को माइनस कर देंगे, दोनों का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया और कुछ नहीं किया है, बस इसको सिंप्लीफाई किया है, सरल किया है। यहाँ पर जो वी है वो पुनर्वितरण के पश्चात का विभव है, जो हम सबसे पहले कैलकुलेशन किए थे उसके मान को यहाँ पर भर दिए और ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में प्रायः आते रहता है, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूला आप याद करके रखेंगे कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में किसी कैपेसिटर के डिस्ट्रीब्यूशन में उसके पुनर्वितरण में यदि कोई ऊर्जा हानि होती है तो इस फार्मूला से कैलकुलेट होगा। क्लियर, अब देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखिए अभी क्या है, आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग, मैं तो अपने हर चैप्टर में 100% सिलेबस कवर कराता हूँ, लेकिन आप जिस जिस बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को टेली करके उसके हिसाब से पढ़िए। जैसे अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ 1D ग्राफ जनरेटर, तो 1D ग्राफ जनरेटर क्या है, कई बार CBSE बोर्ड्स में है ना, मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, तो कई बार वो क्या है CBSE बोर्ड में कभी सिलेबस में होता है, किसी ईयर में निकाल देता है, कभी फिर होता है, इस तरह से चलते रहता है। और इस समय तो आपको पता है कि कोरोना के नाम से जो हमारा ड्यूरेशन कम हो जाएगा, तो पूरे स्टेट बोर्ड ने CBSE बोर्ड ने ये बात डिक्लेयर किया हुआ है कि सिलेबस थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, तो इस साल तो स्पेशली आपको केयर करना पड़ेगा कि आप हमारे जो सभी वीडियो आप देख रहे हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT JEE नेट के लिए नीट के लिए आगे आपको हेल्पफुल है, लेकिन जब आप अपने बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे तो बी केयरफुल ना, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, सावधानी रखेंगे कि एग्जाम के समय आप वही टॉपिक का स्टडी करिए जो आपके सिलेबस में है, अदरवाइज एग्जाम के समय आप अननेसेसरी ऐसे टॉपिक पर टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका मार्क्स अफेक्टेड होगा, नॉलेज तो नेचुरली नॉलेज बढ़ेगा लेकिन मार्क्स प्रभावित होगा। तो 1D ग्राफ जनरेटर में पढ़ा रहा हूँ और मे बी ये टॉपिक हो सकता है इस साल सिलेबस में, अभी तो है नहीं CBSE में, फिर ये शायद नहीं रहेगा, लेकिन आप उसको पढ़ लीजिए आपको काम आएगा। ठीक है, आप पूरा सिलेबस इस साल इस तरह से टेली कर लेंगे, जो 2020-21 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, बाकी लोग के लिए तो वो रहेगा ही, अपने ईयर के अकॉर्डिंग आप सिलेबस लेके पढ़ाई करिए, कभी भी बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन आपको सामने सिलेबस रख के करना चाहिए। NCERT बुक भी आप कंसल्ट करते हैं तो आपने वाच किया होगा कि NCERT बुक में बहुत से कंटेंट्स आपको ऐसा मिलेंगे
जो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि बुक हमारा पहले से बना हुआ है और सिलेबस तो रिव्यू होते रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वन डी ग्राफ जनरेटर। हिंदी में वन डी ग्राफ जनित्र बोलते हैं, हम इंग्लिश में हेडिंग डाल दिया वन डी ग्राफ, तो साइंटिस्ट का नाम है तो इनका हिंदी में क्या लिखने का, जनरेटर मतलब होता है जनित्र, जनित्र जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वैसे इंग्लिश नाम आपको ज्यादा कंफर्टेबल है मुझे पता है, जनरेटर सबको पता है, जनित्र बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो वन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, वन डी ग्राफ नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत हाई पोटेंशियल, बहुत उच्च विभव का विभव उत्पन्न करने, लगभग 10 लाख वोल्ट, लगभग 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न करने के लिए एक डिवाइस बनाया, और उस डिवाइस से उसने 10 लाख के ऊपर विभव डेवलप किया, पैदा किया, और वो काम आता है नाभिकीय विखंडन में, न्यूक्लियर फिजन में, उसको तोड़ने में, इस प्रकार से न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज होता है। तो पहले अपन पढ़ेंगे इसका सिद्धांत कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सिद्धांत है नुकीले भागों की क्रिया, नुकीले भागों की क्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन ऑफ पॉइंट, एक्शन ऑफ पॉइंट, ये इसका सिद्धांत है। ये क्या होता है पहले हम ये समझ लें, फिर समझेंगे वन डी ग्राफ जनरेटर क्या है। तो एक्शन ऑफ पॉइंट क्या होता है, सपोज मैंने इस तरह से कुछ इस आकृति बनाया, ये ऐसा, ये इस तरह का, अब यहां पर ये नुकीला भाग है, नुकीला भाग है, आप देख रहे हैं यहां पर पॉइंटेड है। यदि अब हम इसको आवेश देते हैं तो आवेश देने से होता क्या है, इसका जो पॉइंटेड एरिया है, ये जो पॉइंटेड एरिया आप देख रहे हैं यहां पर क्षेत्रफल कम होता है और आवेश बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण आवेश घनत्व यहां बढ़ जाता है, मतलब यहां पर आवेश बहुत अधिक हो जाता है, और आवेश के बहुत अधिक होने से ये आवेश का यहां पर विंड चलने लगता है, इलेक्ट्रिकल विंड, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अपन विद्युत तूफान, विद्युत का तूफान चलने लगता है, आंधी। दैट मींस यहां पर ये जो पॉइंट में ये चार्ज स्टोर नहीं हो पाते और वो बाहर हवा में चलने लगते हैं। तो ये इसका सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत को लेकर वन डी ग्राफ ने एक जनरेटर बनाया, उसको हम वन डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं। वो किस तरह से होता है देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम एक इस तरह से चेंबर बना लें, उसने चेंबर बनाया था उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है बहुत डेंजरस है, क्योंकि 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न करेगा तो इसको यूज़ करना ऑटोमेटिकली डेंजरस है। 220 वोल्ट में हमारी क्या हालत होती है आपको तो पता है ना, 220 वोल्ट का करंट भी अपन छूते हैं तो क्या हाल होता है हमारा, पता है ना सबको। तो यहाँ कितने लाख वोल्ट की बात हो रही है, 10 लाख वोल्ट, 10 किलो वोल्ट। ये एक स्फेरिकल, एक गोलाकार इस तरह से चालक है ये, और यहां पर दो पुली है, पुली मतलब घेरनी जो गोल गोल घूमता है इस तरह से, और इसमें एक लगा रहता है बेल्ट, रबर का बेल्ट लगा रहता है, ये बेल्ट इसमें मूव हो सकता है, ये बेल्ट इस तरह से इसमें घूमता है इस पुली पर। यहाँ पर होता है कॉम, कॉम माने कंघी, इस आकार का कंघी, कंघी कह सकते हैं अपन, जैसे बाल में जो कंघी करते हैं उसी आकार का, इसको कह दिया C1, और एक कंघी यहाँ पर होता है C2 जो यहाँ से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर उच्च विभव का इस तरह से इसका संपर्क हम पृथ्वी से कर देते हैं, हाई टेंशन बैटरी होता है, यहाँ पर की होता है, और इस तरह से यहाँ पर एक राड होता है, डिफ्लेक्शन राड बोलते हैं, जो क्या करता है आवेश को बाहर निकालने का काम करता है। इस तरह से यहाँ पर होता है टारगेट, जिस नाभिक को तोड़ना होता है। अब ये वर्क कैसे करता है देखिए, जैसे ही हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से जो आप C1 देख रहे हैं, यहाँ पर धन आवेश क्या होने लगता है, विसरित होने लगता है इस तरह से। ये इसका सिद्धांत जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये नुकीला है और नुकीला होने के कारण वहाँ पर आवेश क्या होता है, हवा में डिफ्यूज होने लगता है। अब ये जो आवेश है ये ऊपर चला जाता है, जब ये आवेश ऊपर चला जाता है तो इस कंघी C2 में
विपरीत आवेश पैदा हो जाता है, माने ऋण आवेश, यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और ये गोले के बाहर चूंकि यह फिर विपरीत आवेश पैदा करेगा तो यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, और धन आवेश उत्पन्न होते ये प्रक्रिया चलती रहती है, और धीरे 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 ये आवेश क्या होता है, ये जो स्फेरिकल आप सरफेस देख रहे हैं गोलाकार, इसमें क्या होता है इकट्ठा हो जाता है, ये आवेश इकट्ठा होते 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 इसका विभव बहुत अधिक हो जाता है, लगभग 10,00,000 वोल्ट हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, इसको एक सिस्टम की सहायता से इसके साथ में टच कराते हैं, और इसको टच कराते ही ये पूरा आवेश बहुत तेजी से आके इस टारगेट को हिट करता है, और चूंकि पॉजिटिव पार्टिकल है, चूंकि धन आवेशित है, इसलिए फिर क्या है जाके उसको तोड़ता है, ब्रेक करता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, क्लियर। तो ये जब एग्जाम में आता है तो इसमें कुछ नहीं आएगा, 3 पॉइंट्स पर इसमें आपको एग्जाम में आएगा कि इसका सिद्धांत क्या है लिखो, दूसरा आएगा इसका कार्यविधि, ये है इसकी कार्यविधि, तो चित्र के साथ आप इसके कार्यविधि को एक्सप्लेन करेंगे, और तीसरा पॉइंट में आ सकता है इसका उपयोग कि किस काम में आता है, और चौथा पॉइंट पूछ सकता है इसका मतलब समझ लो और दोष क्या है इस इंस्ट्रूमेंट में, जो डीमेरिट्स क्या थे इसके दोष क्या थे। तो उपयोग क्या है मैंने आपको बताया, इसका एक ही उपयोग है न्यूक्लियर फिजिक्स में, नाभिकीय भौतिकी में, ये न्यूक्लियस को तोड़ने के काम में आता है, विखंडन करने के काम में आता है। और दोष इसका सबसे बड़ा दोष क्या है कि यह क्या है खतरनाक उपकरण है, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें 10,00,000 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है जो डेंजरस हो सकता है हमारे यूज करने के लिए। प्लस इसका एक और बड़ा दोष ये है कि ट्रांसपोर्टेशन इसमें पॉसिबल नहीं, मतलब इसको एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लैब में एक जगह बना दिए तो बना दी। वैसे इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, आगे के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि इसके जगह किसी दूसरे डिवाइस ने लिया जिसको हम साइक्लोट्रॉन बोलते हैं, क्लियर। तो ये है 1D ग्राफ जनरेटर, ये पहले CBSE के सिलेबस में था, तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आता था, कभी भी यदि सिलेबस में रहे तो आप उसको टैली कर लेंगे सिलेबस से, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यदि सिलेबस में हो तो, अदरवाइज ना हो तो आप केवल नॉलेज के लिए एक बार इसको पढ़ लीजिए और फिर उसको एग्जाम में तैयार मत करिए। अब इस चैप्टर का हम एक लास्ट छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, वो है परावैद्युत पदार्थ और उसका ध्रुवण, इंग्लिश में अपन बोलते हैं उसको डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड इट्स पोलराइजेशन। परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युतांक मैंने कई बार डिस्कस किया आपको क्लास में, आप सुनते सुनते परेशान हो गए हैं कि परावैद्युत परावैद्युत, और मैंने बीच में कई बार डिस्कस भी किया कि चैप्टर के लास्ट में आपको बताऊंगा, तो अब आज वो टाइम आ गया कि मैं आपको अच्छे से परावैद्युत पदार्थ को बताऊं कि वो क्या है। ये आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो सकता है कि परावैद्युत पदार्थ क्या है, और सेकंड पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण मतलब पोलराइजेशन। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, ये इंपॉर्टेंट है कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है। पहले अपन देखते हैं परावैद्युत पदार्थ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, देखिए आपको पता है कि चालक क्या है, विद्युत रोधी क्या है, ये आपको पता है, जिसमें विद्युत का प्रवाह हो चालक है, जिसमें ना हो क्या है वो विद्युत, जिसमें विद्युत का प्रवाह हो चालक है, ना हो वो विद्युत रोधी है। लेकिन ये एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी लगता है कि ये अपने में से विद्युत का प्रवाह तो होने नहीं देता, मतलब यदि हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कराना चाहें तो विद्युत का प्रवाह नहीं होने देता, लेकिन विद्युत के सारे प्रॉपर्टी ये शो करता है। दैट मीन्स सारे प्रॉपर्टी मीन्स आवेश इकट्ठा कर लेगा, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा, विद्युत के सारे प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन आप बोलोगे उसमें करंट फ्लो हो जाए तो फ्लो नहीं होता। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो आप इसके डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो विद्युत के सभी गुण प्रदर्शित करते हैं किंतु अपने में से होके वह विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, क्लियर। अब इसका पढ़ते हैं हम प्रकार। तो परावैद्युत जो पदार्थ है 2 प्रकार का होता है, एक होता है ध्रुवित, ध्रुवित जिसको हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलर, और दूसरा होता है अध्रुवित, अध्रुवित नॉन पोलर।
तो ध्रुवित और अध्रुवित प्रविद्युत पदार्थ क्या है, देखो नाम से स्पष्ट है, ध्रुवित मतलब इसमें इसके ध्रुव स्वतंत्र होते हैं, प्लस और माइनस, ये मतलब इसको पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल जब स्वतंत्र होते हैं तो इस तरह के हम परावैद्युत पदार्थ को क्या कहते हैं, ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O, पानी, ये सब क्या है, ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ के क्या है, एग्जाम्पल है, क्लियर, क्योंकि इसमें पोल्स सेपरेट होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव पोल। लेकिन अध्रुवित मतलब क्या होता है, जिसमें इसके ध्रुव सेपरेट नहीं होते, संपाती होते हैं, ये जो मैं बीच में पॉइंट बनाया वही धन है वही ऋण है, मतलब दोनों न्यूट्रलाइज हो गए हैं, वो क्या है, उदासीन हो गए हैं, मतलब उसमें ध्रुव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए मोम, वैक्स, मोम होता है अभ्रक, इसीलिए आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाने के लिए हम इन दोनों चीजों का प्रायः यूज करते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस को आप तोड़ के देखेंगे तो अंदर में आपको मोम मिल सकता है, या अभ्रक के माइका उसके क्या मिल सकते हैं, आपको प्लेट्स मिल सकते हैं। तो ये ध्रुवित और अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अब ध्रुवण का क्या मतलब होगा, नाम से स्पष्ट है, ध्रुवण मतलब ध्रुवित करना, कहने का मतलब क्या है, अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ को क्या करना, ध्रुवित करना, अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम ध्रुवण कहते हैं, मतलब ये जो अध्रुवित है उसको क्या बना देना, ध्रुवित बना देना, क्लियर। तो ध्रुवण का परिभाषा क्या हो जाएगा, अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम ही क्या है, पोलराइजेशन, ध्रुवण। अब वो प्रक्रिया होता कैसे है, देखो ये दो प्लेट है, सपोज अपने पास ए और बी दो प्लेट है, ए और बी। अब सपोज प्लेट ई, प्लेट ए को हमने बहुत पावरफुल पॉजिटिव प्लेट बना दिया, धन प्लेट बना दिया, और इसको बना दिया निगेटिव प्लेट बना दिया, मतलब प्लेट ए के पास धन आवेश है, उच्च विद्युत तीव्रता वाला धन आवेश है, इसके पास ऋण आवेश है। अब हम इन दोनों के बीच में ये जो अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ है इसको हमने रख दिया, ये अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ है इसको हम यहाँ पर रख दिए, तो नेचुरली आप समझ गए होंगे कि जैसे हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो धन प्लेट क्या करेगा, इसके ऋण ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा और यह धन को करेगा, तो ये दोनों एक साथ थे वो अलग हो जाएंगे, ये धन के तरफ ऋण आ जाएगा और ऋण के तरफ क्या आ जाएगा, धन, और वो इस रूप में चलाएगा और इस रूप में चलाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, वो ध्रुवित बन जाएगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे, जब दो उच्च तीव्रता वाले धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेट के मध्य में किसी अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है तो उसके ध्रुव अलग हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं, क्लियर। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, शॉर्ट आंसर में 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज इस वीडियो में कंप्लीट किया आपका 3 पार्ट में क्या विभव तथा धारिता, 3 आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया। पहले वीडियो में एक बार आपको रिवाइज करा दूं, खासकर ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों ने शुरुआत के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपको एक पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूं, आपको किसी भी मेरे वीडियो को देखना है तो उसके अलग अलग पार्ट हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखते हैं तो बहुत से वीडियो हैं मेरे चैनल में, इंग्लिश मीडियम के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, मैथमेटिक्स के हैं, फिर कुछ मोटिवेशनल वीडियो हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करते हैं तो किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे यहाँ पर मेरा हेडिंग लिखा हुआ है देखो, ठीक है, विभव तथा धारिता पार्ट 3, तो फर्स्ट को पहले पढ़िए, सेकंड को बाद में पढ़िए, फिर थर्ड को पढ़िए, तो आपको प्रॉपर समझ में वो आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और न्यूमेरिकल्स के जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो भी इसी पैटर्न में होगा, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव को फोकस करके मैं बनाऊंगा, IIT JEE और NEET को। तो नेक्स्ट थ्योरेटिकल वीडियो आप मेरा कंसल्ट करेंगे किसके लिए, धारा विद्युत करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थैंक यू।